सोचिए, अगर चुप रहकर आपके या राज अंकल के कहने पे मुझसे शादी कर लेता तो इस रिश्ते में हम दोनों कभी खुश नहीं रहते। बहू को घर के अंदर लेकर चलो। सोनाली बेटा, चलो बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। हाँ, मुझे इस सब का हिस्सा बनाने के बारे में सोचना भी मत। इस लड़की को तो मैं जानती तक नहीं, जान न पहचान, पता नहीं किसके घर से। अगर सच बोलने की जरा सी भी हिम्मत है ना तुम में, तो सबसे पहले अपनी गलती कबूल करो। सच एक ही वादा किया था मैंने तुम्हारे पापा से कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिस लड़की ने आज तक मुझे कभी उस लड़के का नाम नहीं बताया, उसने तुम्हें उसकी पहचान बता दी। झूठ, तुम्हें नहीं उसे सुजॉय के खिलाफ भड़काया होगा। और आखिर उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ट्रीटमेंट, हर चीज के पैसे तुम जो भर रहे हो। सुजॉय कभी गलत नहीं हो सकता। और तुम क्या कह रहे थे उस दिन मुझे हॉस्पिटल में, कि सुजॉय ने बाबा को टेम्पो के सामने धकेला? नहीं राहुल, सुजॉय कभी गलत नहीं हो सकता। सुजॉय को तो मैंने हमेशा लोगों का भला करते हुए देखा है, और तुम्हें, तुम्हें मैंने आज तक कभी किसी का भला करते हुए नहीं देखा। नफरत, बदला लेते हुए देखा है। मैं कैसे विश्वास करूं तुम पर? तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो बताओ मुझे राहुल, किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? ईगो? हाँ, ईगो मैंने ठेस पहुंचाई है ना तुम्हारे ईगो को? क्योंकि जब तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं, तो मैं दुनिया की वो इकलौती लड़की थी जिसको तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और यही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई है ना राहुल? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को चुना, किसी और से शादी कर रही थी मैं, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमसे देखा नहीं गया, और तुमने अपनी ईगो में आके अपनी फैमिली का ही नहीं, अवंती का भी दिल दुखाया। तुमने धोखा दिया उस लड़की को जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है राहुल? तुम तो सिर्फ नफरत करना जानते हो। इतनी नफरत भरी है तुम्हें, तुम्हें अपनी फैमिली और उस बेचारी अवंती का भी ख्याल नहीं आया। तुम सिर्फ और सिर्फ एक खुदगर्ज इंसान हो राहुल, जो अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकता। मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है ना तुम्हें? नहीं, कभी यकीन नहीं होगा। मैं यहाँ इस घर में अगर आई हूं ना, तो अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ या मेरे घर की बदनामी हो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने मेरे पास आने की या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना राहुल, तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। बाबा चले गए, बाबा प्लीज वापस आ जाइए, बाबा मुझे इन सब से बचा लो, मैं थक गई हूँ बाबा, मैं हार नहीं लड़ सकती, प्लीज वापस आ जाओ बाबा। आपसे 2 मिनट बात करनी थी। डैड, मैं आपसे कहना चाहता था कि आज जो कुछ भी राहुल ने किया वो ठीक नहीं किया। डैड, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डैड कॉन्सर्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, और शादी की बातों को लेकर बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है, और तो और तलवार अंकल भी हमसे नाराज हैं, सो आई डोंट नो कि वो इस कॉन्सर्ट में अब इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। मीडिया को एक नया मौका मिल जाएगा डैड हम लोगों की नेगेटिव पब्लिसिटी करने का, एंड डैड बहुत कुछ स्टेक पर है, हम लोगों को बहुत लॉस हो सकता है। मीडिया के डर से कॉन्सर्ट कैंसिल कर दे, जानता है ना कितना नुकसान होगा। डैड, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉन्सर्ट कैंसिल कर दें, और मैं जानता हूँ कि हमें बहुत लॉसेज होंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि राहुल की गलतियों की सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हैं डैड?
आई मीन राहुल का हर गाना मुझे अच्छे से आता है, उसका एक एक डांस स्टेप्स मेरे टोस पर है, एंड आई फील दिस इज माई चांस कि एक बार मैं उस स्टेज पे चढ़ के कुछ कर सकूं। और एक कॉन्सर्ट अगर राहुल नहीं करेगा तो क्या हो गया डैड? राहुल की जगह लेगा तू? उसकी जगह लेने के बारे में सोचना भी मत। मेरा और राहुल का झगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन कोई भी उसका फायदा नहीं उठा सकता। कुछ भी हो जाए शालीन, वो मेरा बेटा है, खून है वो मेरा। और मैं डैड है, तू भी मेरा बेटा है, लेकिन जीरो है, जीरो। टैलेंट के नाम पर बदनुमा दाग है तू। तुझे क्या लगता है कि पोस्टर पर तेरी शक्ल से टिकट्स बिकेंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है तू। आज के बाद ऐसा वाहियात आइडिया लेकर मेरे पास दोबारा मत आना। चैन से क्या हुआ राज? क्यों डांट रहे थे उसे? राज बस भी करो, और कितना पियोगे तुम? हाँ सोनाली, मैं पी रहा हूं और मैं और पीऊंगा, क्योंकि आज पहली बार मेरे अपने बेटे ने मुझे धोखा दिया है। सबके सामने मुझे जलील किया है उसने। बस राज बस। नहीं सोनाली, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये सब उसने क्यों किया है। वो लड़की मेरे राहुल को मेरे खिलाफ भड़का रही है, ये सब उसकी वजह से है। अब जिसने भी किया, जिसकी वजह से भी हुआ, सच्चाई यही है राज की, वो हमारे राहुल की बीवी है। नहीं मानता मैं इस शादी को। वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, अच्छी तरह से जानता हूं। ये सब उस उपमन्यु की चाल है। वो और उसकी बेटी मिलकर मेरे राहुल को फुसलाकर इस शादी में जलील करना चाहते थे। वो मेरे परिवार को तोड़ना चाहता है। मैं उसकी इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मानवी को इस घर से जाना होगा सोनाली, हर हाल में। सही कहते हैं राज, कोई भी शरीफ घर की लड़की किसी और के दूल्हे से इस तरह शादी नहीं करती। ये लड़की मेरे राहुल के लिए, इस घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की राहुल? क्यों की मुझसे शादी? क्यों मेरे मंगेतर को मारने की कोशिश की? क्यों मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की? आशा करती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे। Oh,
मैं हर वो कोशिश करता रहा कि जिससे तुम खुश रहो मानो, फिर वो चाहे तुमसे दूर रहना ही क्यों ना हो, लेकिन अनजाने में ये कैसा गम दे दिया मैंने तुम्हें। क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगी? बाबा, मुझे बाबा से मिलना है। डॉक्टर, वो कैसे हैं अब? वो आंखें कब खोलेंगे डॉक्टर? मुझसे कब बात करेंगे? कोमा से कब बाहर आएंगे डॉक्टर? मिसेस चटर्जी, मैं आपका दुख समझता हूँ। कोमा में गए हुए पेशेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। होश आने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 महीने या 10 साल। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कितनी तकलीफ में हैं इस बात का अंदाजा है मुझे, पर आप हिम्मत मत हारिए। इससे पहले कि आप बीमार पड़ जाएं, आप घर जाकर आराम कीजिए। जी डॉक्टर, वो इनके ट्रीटमेंट में बहुत सारा खर्चा हुआ होगा ना, वो जो भी बिल्स है आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी से पैसे जोड़ना शुरू कर देती हूँ। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट के वेलबींग के अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मिस्टर चटर्जी ठीक हो जाए उसके बाद पैसों की बात कर ले। माँ, मानवी, माँ बाबा कैसे हैं? मानवी तू ठीक तो है ना बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बुखार तो नहीं है ना बेटा? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बाबा कैसे हैं? क्या कहूँ बेटा, ठीक है, बेहतर है, कोमा में, पता नहीं कब उठेंगे। डॉक्टर कह रहे थे कि पहले से बेहतर है। मानवी तू बता, वो राहुल के घर पर क्या हुआ? उसके घर वालों ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं ना? और राहुल के पापा, उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं माँ, सब ठीक था, कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं है मुझे। पता नहीं किस्मत ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे खुश करने के लिए तुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, और उस झूठ को मानकर उसे सच में बदलने की उम्मीद में मुझे मुस्कुराना पड़ रहा है। मेरी सारी जिंदगी इसी उम्मीद के सहारे चली जाएगी लगता है। अपनी बेटी को खुश देखने की उम्मीद, और तेरे बाबा को सेहतमंद देखने की उम्मीद। पर तू इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है मानवी? शादी के बाद तो तेरा पहला दिन है ना तेरे ससुराल में। माँ, मेरे बाबा से मिलने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। तू माने या ना माने मानवी, इन रस्मों और रिवाजों की अपनी मान्यता होती है, तेरे ना मानने से ये बदल नहीं सकते। अब तो उस घर की बहू है, जैसे भी हुई है ना, पर तेरी राहुल से शादी हो चुकी है, तो उसकी पत्नी है मानवी। हाँ, शादी करने से पुराने रिश्ते नहीं बदल सकते, पर नए घर में जाके तुझे नए रिश्ते जोड़ने की कोशिश करनी होगी। उस परिवार की अपनी पति की जिम्मेदारी तुझे उठानी होगी मानवी। कौन सा पति माँ? वो इंसान जो अपनी इज्जत से बात करो मानवी, शादी हुई है उससे तुम्हारी। मैं बाकी कुछ नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए, वरना वो लोग हम पे उंगली उठाने का
हम पे ताना कसने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मानवी, तुझ में सहने की हिम्मत होगी बेटा, पर मुझ में नहीं। जितना सहना था ना, मैं सह चुकी बेटा। अब इससे ज्यादा और कुछ हुआ ना तो मैं नहीं झेल पाऊंगी। मानवी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। यहाँ पर मैं और तेरे दादा तेरे पापा को संभालने के लिए हैं। तो अपने घर चली जा बेटा, ससुराल चली जा, अपनी जिम्मेदारियां संभाल। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं बस एक बार बाबा को देख लूं, मैं चली जाऊंगी माँ, प्लीज। मानवी सुबह सुबह कहाँ चली गई? हेलो डॉक्टर, अब कैसी तबीयत अंकल की? राहुल जी, उनकी हालत में अभी ज्यादा सुधार नहीं है। स्टेबल है पर अभी भी कोमा में है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ऊपर वाले की मर्जी। एक इम्पोर्टेंट बात है राहुल जी। हाँ? मिसेस चैटर्जी कई बार पैसों के बारे में पूछ चुकी है, वो बिल देखना चाहती है शायद। डॉक्टर, किसी भी हालत में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त उन्हें बताना कि मैं सारे पैसे दे रहा हूँ ठीक नहीं हुआ। आप किसी तरीके से उनकी बात टालते रहिएगा। हाँ, फिलहाल के लिए तो मैंने उनको टाल दिया है। उनका बेटा किसी भी तरह से आपकी मदद लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनको ज्यादा दिन तक टाल नहीं सकता। आप उनकी बेटी से बात कीजिए ना, शायद वो उनको अच्छे से समझा पाए। मानवी हॉस्पिटल में? हाँ थी, बस अभी बाहर गई है। ओ ठीक है डॉक्टर, मैं उनसे बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच। हे भगवान, एक बार अंकल को होश में ला दो, सब कुछ सही हो जाएगा। जब तक अंकल सच नहीं बताएंगे मानवी को, तब तक वो मेरा विश्वास नहीं करेगी। प्लीज। रॉकस्टार राहुल की शादी का राज अब तक कोई सुलझा नहीं पाया है। जब तक हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद थे, तब तक रॉकस्टार राहुल का कोई अता पता नहीं था। दूल्हे की अपनी शादी से गायब होने की क्या वजह हो सकती है? तो आखिर ऐसी हाई प्रोफाइल शादी से रिपोर्टर्स को क्यों जाने को कहा जाता है? इस राज को सुलझाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनने में आ रहा है कि अपनी दुल्हन को मंडप पर ही छोड़कर गए हैं राहुल सबरवाल। देखिए अवंती का मासूम चेहरा, माथे पे पड़ी शिकन के पीछे हंसते हुए चेहरे का दर्द साफ नजर आ रहा है। क्या अपने साथ होने वाले धोखे का अंदाजा उन्हें पहले से ही था? राहुल की इस हरकत ने सुबह सुबह का चैन भी छीन लिया मेरा। सोनाली, राहुल, शालीन, निखिल, क्या हुआ राज? क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे? क्या हुआ? लगता है आप लोग अभी घर से बाहर निकले नहीं। क्यों, मिल गए तसल्ली? जाओ घर के बाहर जाकर देखो मीडिया ने किस तरीके से हंगामा मचा रखा है। राहुल, हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। हर चैनल पर मजाक बनाया जा रहा है हमारा। सबरवाल खानदान की इज्जत रौंद दी है तुमने। राज प्लीज काम डाउन। अब फिलहाल प्रॉब्लम पता चल गई है तो सोल्यूशन ढूंढो ना। हम मीडिया और लोगों से क्या बोलेंगे? बस मीडिया से कोई बात नहीं करेगा। हमारा जितना मजाक बनना था बन चुका है, और खास करके तुम बिल्कुल चुप रहोगे। डैड, हम सब तो चुप रहेंगे, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आपकी नई बहू, डैड उसे कौन समझाए? पता नहीं सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चली गई। अगर बाय चांस मीडिया ने उसे कुछ पूछा तो वो तो सब कुछ बता भी देगी। आखिर उसे हमारी इज्जत से क्या लेना देना? वो तो इस घर में आई ही इसीलिए ताकि हमें बर्बाद कर सके। ये सब उसकी और उसके बाप की प्लानिंग है, लेकिन मैं उसकी इस प्लानिंग को कामयाब नहीं होने दूंगा। डैड, उसके बाबा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, उन्हें देखने गई है वो। तबीयत खराब है? अच्छा, बंगाली की तबीयत खराब? वो यही डिजर्व करता है राहुल, बीमारी दुख तकलीफ इसी के लायक है वो।
खैर उसकी बीमारी से हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। वो लड़की लौटेगी तो मीडिया के सामने अपना मुंह खोल सकती है। उसे फोन लगा और उसे बोल पीछे के दरवाजे से आएगी। स्विच ऑफ है। ऐसी लड़की शादी के अगले दिन ही ना किसी को पूछा ना बताया गायब हो गई। सभी मानवी से रिलेटेड हो रहे हैं और अगर मीडिया ने मानवी को रोक लिया तो कुछ उल्टी सीधे सवाल पूछे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। वो देख वही अंदर की तरफ जा रहा है। चल 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 के पूछते हैं। चला चल जल्दी चल। मैडम 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 एक मिनट, आप राहुल सबरवाल को जानती हैं? आप उनके रिश्तेदार हैं। मैम आप हमें बता सकती है कि कल राहुल सबरवाल की शादी में क्या हुआ था? सुनने में आया है कि राहुल जी की शादी अवंती के साथ नहीं हुई और वो किसी और लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आए। आप लोग प्लीज पीछे हट जाइए। पीछे हटिए। मेरी बहू को अंदर आने दीजिए।